आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव रामपुर मैंगन पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 12 किलोमीटर तो ब्लॉक से 7 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान वेद प्रकाश हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान वेद प्रकाश और सचिव कुलवीर सिंह के द्वारा स्कूल के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के रामपुर मैंगला ग्राम पंचायत में। यहां अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है प्रधान द्वारा, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान प्रतिनिधि के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। 4 साल प्रधान जी के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य यहाँ इस गाँव में अब तक करवा दिए हैं? इसमें सीसी टाइल्स की काफी तक जो गंदगी थी, नाली कच्चे रास्ते वो करा दिए। 2100 लाइट लगवाई है जी। 282 शौचालय बनवाए। ODF हो गई ग्राम पंचायत, ODF हो गई जी। संतान घाट का निर्माण ग्राम निधि से करा गया है जी, इसी कार्यकाल में जी। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को जी? जी, 16 आवास बनवाए हैं जी। सरकार की जैसे योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ मिला है सभी को गाँव में? 100%। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों को यहाँ मिल रहा है? 85% पहुँचा, मिल गया है। मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम कर रहे हैं? बाउंड्री है, टाइल्स है, गेट ने गेट है, मरम्मत कर रहे हैं सब का जी। काफी सौंदर्यकरण यहाँ पर कराए। मिड डे मील वगैरह की सुविधा सही है, देखते हैं आप समय पर? गैस से खाना बनता है बढ़िया, अच्छी क्वालिटी के साथ जी। अच्छी चलवाते हैं हम लोग। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? बारात घर क्या योजना में है और इसी साल बनेगा जी। पंचायत भवन है? नो नहीं है, वो उसके लिए प्रस्ताव दे दिया। आंगनबाड़ी केंद्र? वो दो है। खेल का मैदान? वो नहीं है। अस्पताल? वो भी नहीं है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से ब्लॉक में? PSC है। उसके आसपास यहाँ कोई सरकारी अस्पताल या सामुदायिक केंद्र कुछ भी नहीं है? इसके लिए कभी आपने कोई प्रस्ताव दिया या कोई? हाँ, उसके जो स्वास्थ्य केंद्र होता है ग्राम पंचायत, उसके लिए प्रस्ताव दिया ही तो आया नहीं अभी तक कोई कार्रवाई पर हुई नहीं, नहीं। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? एक हमारा पेयजल योजना घर घर पानी की, JJM के अंतर्गत हमारा गांव आ गया है। पानी की टंकी के लिए सर्वे हो गया, कुछ ले लेकर ओवरहैंडिंग के लिए, और उसका काम शुरू होने वाला 10-15 दिन के अंदर जी। बाकी बारात घर और खेल के मैदान के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं, उसी में लगे हुए जी। जी, बारात घर पर जैसे ये बीमारियाँ अब फैल रही हैं जगह जगह, तो आप दवाई वगैरह का छिड़काव करवाते हैं गाँव में? उसके लिए मैं फार्मेसी लेने जा रहा हूँ जी। अभी फोक मशीन आप जो है लेंगे यहाँ पर? लेने जा रहा हूँ जी। जी, इससे जो है गाँव में मच्छर और बाकी बीमारी से भी निजात मिले। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में यहाँ इस गांव में करवाया जा चुका है। जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, ODF भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, आवाज भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, शमशान घाट भी यहाँ ग्राम प्रधान निधि से बनवाया गया है इसी कार्यकाल में। इसके अलावा स्कूल में मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहां बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो यहां की निर्मित नहीं है, उनका होना बहुत जरूरी है। कुछ परिवार अभी यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। इसके अलावा ओवरहैंड टैंक का कार्य, निर्माण कार्य यहाँ जल्द ही शुरू होने की प्रक्रिया में है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से।